दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। देखो सिंपल सी बात को समझो, एसएससी रिपीटेशन करती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए आपको पिछले इयर्स के जितने भी पेपर्स हैं सारे 2 से 3 बार लगाने हैं। और ये बात मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ, करीब करीब 2 महीने पहले जब नोटिफिकेशन आया था कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जिसने भी तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट पे फोकस कम करो, प्रीवियस ईयर्स पे करो। क्योंकि देखो पैटर्न वही रहता है, एरर्स उसी तरह की आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स उसी तरह के आते हैं, रिज्यूमे में क्वेश्चंस भी उसी तरह के आते हैं, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया तो लगेगा ना कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तो अब मैं कैसे काम करता हूँ, सेट्स लगाता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्रैक्टिस तो आपने कर ली, आपने क्वेश्चन पेपर मान लो ये लगा लिया, लेकिन आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, यहाँ गलती कर दी आपने। एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप सेट को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, दोबारा उसी सेट को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद एनालिसिस भी करिए। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो दोबारा भी आप वही गलती करोगे, आप मुझसे लिख के ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे और एनालिसिस नहीं करोगे तो दोबारा वही गलती करोगे। इसलिए आपको पिछले ईयर्स के पेपर जो है लगाने ही लगाने हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। कई लोगों का सवाल रहता है कि सर एक बात बताइए, मैं एरर्स कर ले रहा हूँ, एक्टिव पैसिव कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर इन द ब्लैंक्स कर ले रहा हूँ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर ले रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंशन में फंस रहा हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करें, कई लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जब सॉल्व करते हैं ना कई लोग, तो वो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज में चले जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे पैसेज में जाएंगे। इससे क्या रहता है ना, आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, इससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप इसको बच्चों की तरह कर रहे हो। आप ऐसे कर रहे हो, क्वेश्चन देख लिए, वैसे ही वर्डिंग अगर मिल जाएगी पैसेज में तो हम उसको लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा मत करिए आप, आपको क्या करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले पैसेज को एक बार पढ़िए, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपके इसमें, हार्डली। उसके बाद नई समझ में आया दोबारा से पढ़ लीजिए, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको दोबारा पढ़ने में। और धीरे धीरे पढ़िए, भागिए मत, अगर भागेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे उसको पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। और जब समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन पढ़ लो आप। आप देखोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो ऊपर था ना, आप फिर से देखो ऊपर किस जगह था, आपको आपको आइडिया हो गया ना कि हाँ यार इस जगह पे हो सकता है। आपने पढ़ा, आपने आंसर देखा, आपने लगा लिया, आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा हाँ यार ये तो यहाँ पे था, तो आप फिर वापस गए पैसेज में, आपने देखा, आपने फिर से वही आंसर लगा दिया। तो ये चीजें आपको करनी है, क्वेश्चन देख करके पैसेज में नहीं जाना है, पैसेज पढ़ करके भले ही 2 से 3 मिनट लग जाए पर आपका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रांग हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, उसको पहले उठा लेना। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बाद में नहीं उठाना उस चीज को, उस टॉपिक को, पहले उठाओगे, आपके क्वेश्चन करोगे, आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दिमाग चाहे तेजी से चलना शुरू कर देगा। ये देखो लॉजिक रहता है, ये दिमाग अलग ही तरह से खेल खेलता है। अगर आप पहले ही लगा लोगे आपका बेस्ट सेक्शन जो है जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो, तो कहना ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अदर सेक्शन रहते हैं जो थोड़े वीक भी होते हैं, वो भी थोड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आपको देखो 3 चीजें करनी है, पहली चीज प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, जितने लगा पाओ, अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, पर शुरू कर दो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है और दोबारा से वही पेपर को प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कहना आप 2 घंटे बैठ जाओ, ऐसा नहीं, रीजनिंग को अलग लगा लो, इंग्लिश को अलग लगा लो, जीएस को अलग लगा लो, ऐसा भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 घंटे बैठ के लगाओ, ऐसा नहीं है। आप रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करिए, उसका अलग से एनालिसिस कर लो, इंग्लिश में करिए, इंग्लिश कर लो, टेस्ट बुक एक एप्लीकेशन है, बायजूस है, इन दोनों से आप कर सकते हो। बढ़िया प्रीवियस ईयर के पेपर इसमें दिए गए हैं, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है भाई साहब। जिस किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं करी है वो अभी से शुरू कर दो, अभी 20-22 दिन बचे हुए हैं, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी पेपर के टाइम में, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। जिन्होंने भी प्रैक्टिस नहीं करी है मैं गारंटी दे रहा हूँ
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे, उनका पेपर छूट जाएगा। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगा देंगे, रीजनिंग में तो क्या पता वो 50-60 मिनट लगा दें। ऐसा भी होता है भाई साहब, मैंने देखा है लोगों को ऐसा भी होता है। आज के समय में जो रीजनिंग आ रही है अगर वो देखोगे आप, उसको करने में टाइम लग जाता है। तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे 2020 के पेपर की और 2019 के पेपर की, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं 50-55 मिनट आप एग्जाम में ही ले जाओगे, और वो चीज़ आपका पूरा खेल बिगाड़ देगी। क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ा टाइम देना है ना, कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर इकट्ठा नहीं हो सकती है तो अलग अलग सेक्शन की अलग अलग करो, पर जरूर करो प्रैक्टिस। मैं फिर से एक बात बोलूंगा, मॉक टेस्ट के पीछे भागना बंद करो, प्रीवियस ईयर से पेपर लगाओ। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और उन लोगों का भी एक्सपीरियंस जिन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वालिफाई किया हुआ है। मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी इस वाले एग्जाम में 2020 का रिजल्ट आया, उसमें पास हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करिए। प्रीवियस ईयर से पेपर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एरर्स उसी तरह की आती हैं, पैटर्न वही रहता है, और थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। और एक बात मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको आप रामबाण कह सकते हो। सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब लगती है इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, एरर्स में भी मिलेंगे और नो इम्प्रूवमेंट में भी मिल जाएंगे। तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जरूर देखो, उस हिसाब से क्वेश्चन को लगाओ, आपका आंसर लगभग लगभग सही हो जाएगा। ध्यान, बाकी तो आपको पता ही होगा इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो मैं बेसिक बात ये मैं यही कहना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर से पेपर्स की, ठीक है? जितना लगा पाओ, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ करो, नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डूब जा में फंस जाओगे आप। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि 2023 के एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है पर्सनली, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर मेंबरशिप ज्वाइन करो, पर्सनली मुझे मैसेज करो, उसका तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।